Hello everyone, and now it's time for us to head for our next destination. हाँ, बहुत दिन हो गए आप लोगों से मिले हुए. कितने महीने हो गए? Almost 3 months. Yes, the second wave was devastating. It was very difficult for any one of us to move out. The country actually was reeling under this devastating wave. पर अब थोड़ा सा सब कुछ ठीक हुआ है और हमने सोचा क्यों नहीं छोटा सा ट्रिप लेते हैं. और आज मैं और निलॉय जा रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और हमारे साथ है हमारे फ्रेंड्स दूर्वा एंड देवशीष. से हाय एवरीवन. आई नो आप लोग मास्क के पीछे के चेहरों को देखना चाहते हैं, पर हम दिल्ली क्रॉस करने के बाद अपने चेहरों को दिखाएंगे. टिल देन बाय बाय. हमारी तरफ दोनों तरफ है आम के बगान और गन्ने के खेत, जो कि है यूपी की शान. और हम पहुंच गए अपने होटल रिवर साइड बाय अहमा. सो इट टुक अस अबाउट 6.5 hours टू रीच हियर विद जस्ट वन ब्रेक इन बिटवीन. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट स्टेइंग एट दिस होटल बिकॉज मैंने सुना है इसके रूम्स बिल्कुल बाय द रिवर साइड हैं. सो लेट्स गो एंड टेक अ लुक कि हमारे रूम से क्या व्यू है. Oh my God, that is the breathtaking view of the Kosi River flowing right next to my room. Wow. Our hotel is right there on the left. We are staying at Riverside by Ahama, and it's a lovely place, beautiful, exactly at the riverfront. But we could not get down at the river, so we came on a trek. And what a lovely trek it has been. Exactly next to the river, beautiful weather. And as you can see around me, how lovely this whole riverbed is, isn't it? So next time you come to Corbett, check out this property for sure. Till then, yes, it's a little misty today, but I guess when you walk by the nature, nothing really matters. So we just finished our trek. It's like about 2 kilometer trek, and we are coming back and returning to the hotel because we are hungry, and it's time for some good breakfast. और हम पहुंच गए हैं नेशनल पार्क में फॉर आर जीप सफारी. लेट्स सी डू वी गेट लकी और नॉट. वैसे मानसून्स में टाइगर बहुत कम दिखता है, बट फिर भी लक ट्राई करने में तो कुछ नहीं जाता. बिल्कुल चुप. शेर किसी भी वक्त आ सकता है. हम बिल्कुल जंगल के बीचों बीच खड़े हैं. बिल्कुल कोई भी आवाज़ नहीं है, ना ही कोई जानवर है और ना ही कोई इंसान है. देखते हैं आज हमें शेर दिखाई देता है या नहीं. शेर तो नहीं दिखा, पर हाँ बहुत सारे हिरन दिखे. और ये ब्यूटीफुल नज़ारा, दीज आर द ग्रास लैंड्स इन द नेशनल पार्क. और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सुंदर सिर्फ ग्रास लैंड्स हैं. और एक्चुअली कहते हैं कि यहाँ पे शेर दिखता है मोस्टली ड्यूरिंग समर्स और विंटर्स में. खैर हमें नहीं देखा, बट हम इस जंगल का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं. नमस्ते भैया. नमस्ते दीदी. तो आप लोग यहाँ पे अब क्या करने वाले हो? आम तोड़ रहे हैं. चलिए, कौन सा आम है ये? लंगड़ा आम. चलिए दिखाइए तोड़ के. अरे वाह. सो यहाँ देखिए, इसको कहते हैं आम की टोकरी. और माली जी जो हैं ये टोकरी भर रहे हैं आम से. ये लंगड़ा आम है और मैं क्लोज अप लेती हूँ. ये अब नीचे आने वाली है टोकरी, और ये बिल्कुल भरी हुई है आमों से. वाह, देख के ही देखिए देखिए कितना मजा आ रहा है. ये है उत्तराखंड के लंगड़ा आम, जो कि बिल्कुल पेड़ पे ही पक गए हैं. इसका स्वाद ही कुछ अलग है. दीदी इतने सारे आम हैं, मेरे को तो मजा आ गया देख के. मैं ले लूं कुछ? नहीं, सारे ले लूं.
ये लोग हैं मैं मुझे दीदी ने ये वाले इतने सारे अच्छे अच्छे बनाने के लिए कह रहा हूँ ले लो करके और आम गिरेंगे यहाँ कहीं पीठ में कोई बात नहीं ये इतने अच्छे से आम है और ये मैं लेके जा रही हूँ वापस घर और घर में सबको बुला के ये आम खिलाऊ थैंक यू सो मच थैंक यू थोड़ा सा फोटोशूट तो बनता है ना और यहाँ पे आम के बगान भी हैं और हमारे पूर्वज भी रहते हैं येस दिस प्लेस इज फुल ऑफ मंकीज बट दे डोंट हार्म एनीवन एंड दे आर सो फनी और इतनी प्यारी जगह है इतने ब्यूटीफुल लॉन्स है जस्ट बाय द रिवर मैं बिना योगा किए यहाँ कैसे रह सकती हूँ और हमारा स्टे 2 दिन का था एंड इट वॉज़ अमेजिंग अब टाइम हो गया है वापस जाने का एंड सेइंग गुड बाय टू जिम कॉर्बेट थैंक यू फॉर दिस लवली स्टे और हम वापस ज़रूर आएंगे बैक इन नवंबर इस बार शेर तो देख के ही जाना है और आप लोगों को भी दिखाएंगे टिल देन सी यू बाय बाय कीप वॉचिंग माई ब्लॉग्स